नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विश्व गुरु भारत जो हमारा एपिसोड चल रहा है, जिसमें हम आपको अलग अलग समय पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विश्व भारत के लिए एक परिवार और पूरा विश्व की डेवलपमेंट के लिए कैसे भारत, भारतीयता और भारत की लोग पूरे समय अलग अलग विषयों पर, चाहे हिस्ट्री कहिए, चाहे साइंस कहिए, चाहे आईटी कहिए, चाहे इकोनॉमी कहिए या एनवायरनमेंट कहिए, इन हर एंगल में, हर व्यवस्था में कैसे अपने भारत के लोग और भारत विश्व को एक राह दिखा रहा है। तो आज की विश्व गुरु भारत में एक ऐसा विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में जो एक डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रथा प्रचलन हो रहा है, उसमें भी भारत में और भारत की बाहर में भी कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। हाँ मित्रों, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में भी आज भारत पूरे विश्व को एक दिशा दे रहा है। भारत में 75.9 करोड़ से अधिक एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं, जो महीने में कम से कम एक बार वो वेब का उपयोग करते हैं। और यह डाटा 2025 तक 90 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान भी है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट कहता है कि एक्टिव इंटरनेट यूजर्स में 39.9 करोड़ ग्रामीण इलाकों में, जो रूरल एरिया है भारत में, वहां रहते हैं लोग, और जबकि 36 करोड़ जो अर्बन क्षेत्र में, एरिया में निवास करते हैं। यह दर्शाता है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का उपयोग अधिक हो रहा है। मतलब भारत की ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का उपयोग अधिक हो रहा है इन कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत में सभी नए इंटरनेट यूजर्स में 56% रूरल एरिया में से ही होंगे। भारत में डिजिटल जो रिवॉल्यूशन है या जो आईटी रिवॉल्यूशन है, उसके बाद में तो अब भारतीय कंपनी, जो इंडियन कंपनीज है, वो अमेरिका में भी भारतीय लोग बड़ी संख्या में वहां के नागरिकों को रोजगार दे रहे हैं। एक अच्छा खबर है, पॉजिटिव न्यूज है। एक दिन महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत की इकोनॉमी भारत की गांव में है। भारत की डेवलपमेंट जब होता है, जब भारत की गांव का विकास होता है, तो समय जब बदल रहा है, जब देश बदल रहा है, तो भारत की गांव भी बदल रहा है, ना कि केवल गांव के रास्ते या गांव की जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो या साइंटिफिक वेज हो या अलग अलग व्यवस्था हो रहा है। नहीं, इंडिया की ग्रामीण क्षेत्र में आज इंटरनेट यूजर्स भी उसी कंपेयर में बढ़ रहे हैं, और इंटरनेट को उपयोग करके आज भारत की गांव की युवा या किसान आज अपना बिजनेस कर रहे हैं या अलग अलग पूरे दुनिया के साथ वो जोड़ रहा है। ये भारतीय लोग भारत की बाहर आज अमेरिका में भी आईटी इंडस्ट्री में इतना ही, या डिजिटल इकोनॉमी है जो, उसमें भी अमेरिका में भारतीय लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इतना ही नहीं, आज मूल भारत के लोग अमेरिका में, दे आर हेल्पिंग द यूथ्स फॉर जॉब क्रिएशन
इन डिजिटल इकोनॉमी, और यह है एक सुखद समाचार। इसीलिए हमने इस विषय को आज विश्व गुरु भारत में स्थान दिया है। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो CII है, इंडियन रूट्स अमेरिकन सोयल इसका नाम है, वो सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है। और इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अभी तक $40 अरब से अधिक का निवेश किया है, और जिससे अमेरिका में 4,25,000 नौकरियां पैदा हुई है ना कमाल की बात कि अमेरिका में 4,25,000 नौकरियां पैदा हुई है, और इसके पीछे कौन है? भारतीय है। ये जो सर्वे है, ये सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडियन कंपनीज ने सोशल ओब्लिगेशन भी बखूबी निभाए हैं, और इस पर करीब 18.5 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। भारतीय कंपनियां जो इंडियन कंपनी से ना केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में अपने व्यवसाय को विस्तार कर रहे हैं, इसीलिए इन भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती रहे, इसका ध्यान बनाए रखने की सख्त जरूरत है। और इसके लिए चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जो बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्री हो, अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो भारतीय लोग और ऊपर उठेंगे, और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ेगा, और जॉब क्रिएशन भी इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी और बढ़ेगा। सो भारत में जो इंटरेस्ट रेट को निचले स्तर पर बनाए रखना अब आवश्यक हो गया। अमेरिका को भी इस संबंध में अब विचार किए जाने की आवश्यकता है, एवं जो इंटरेस्ट रेट है उसमें वृद्धि को आने वाली समय में रोकना चाहिए। जो इंटरेस्ट रेट है वो जो बढ़ रहा है, दैट मस्ट बी चेक्ड, अदरवाइज क्या होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व में अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। मित्रों, ये एक छोटा एग्जाम्पल हमने आज आपके सामने रखा है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयोग कई बार बहुत बड़ा विशाल रूप लेता है। आज भारत की टैलेंटेड यूथ कई बार ऐसे ऐसे छोटे छोटे इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, या टेक्नोलॉजी को या डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके जीरो से हीरो बन जाते हैं। तो ये प्रयोग हुआ है आज अमेरिका में डिजिटल इकोनॉमी में, और ये प्रयास सुखद विषय क्यों है, हमने क्यों बता रहे हैं कि जो भारतीय मूल की लोग हैं उन्होंने किया है। सेकंड बात क्या है कि वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, उनको सपोर्ट चाहिए, और उनको चाहे भारत की सरकार हो या बड़ा इंडस्ट्री हो या बिजनेस ग्रुप हो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज गिविंग ए बूस्ट फॉर द जॉब क्रिएशन फॉर द यूथ। और वही प्रयोग अगर भारत की गांव में उपयोग किया जाए, ट्रायल बेसिस पे देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी चमत्कार लाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इन इंडिया इंटरनेट यूजर्स आर मोर इन रूरल इंडिया इन कंपेयर टू अर्बन इंडिया। That is all for today. I again request you that please subscribe Uday India and stay tuned with Uday India. मित्रों,
कई बार हमने ये देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल मीडिया में, या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ऐसे अनेक अनेक बातें जिनका मिलियंस व्यूज होती है, लेकिन अगर कोई अच्छा इंफॉर्मेशन से रेगुलर कोई देश के लिए, समाज के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है, जैसे हम लोग भी एक छोटा पार्ट है उसको, भारत को आगे बढ़ाने में, विश्वगुरु बनाने में, हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारत को समृद्ध बनाना, भारतीय संस्कृति को मजबूत करना, भारत की युवा को खड़ा करना, यह हमारा प्रयास है। इसलिए मित्रों, मैं आपको या आपके थ्रू बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने जो एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आप सामने रख रहे हैं, आप खुद देखिए, आपका परिवार में दिखाइए, या उसको अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया में उसको ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।